स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एक और तरह की वेबसाइट की कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ब्रांड ऑनलाइन वेबसाइट विल सर्व पर्पस दैट वुड बी एन इनकम्प्लीट थिंग यानी इनकम्प्लीट बात होगी बिकॉज हेयर आई द मीडिया कॉम्पोन जो ब्रांड बिल्डिंग ई कॉमर्स है बेसिकली उसका जो मेन गोल है वो ये गोल उसका ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है चीजों की मतलब इस तरह की वेबसाइट का कभी भी गोल डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता वाया वेबसाइट क्योंकि जो ब्रांड बिल्डिंग की वेबसाइट्स होती हैं वो बेसिकली हेल्प आउट करती हैं टू रीच आउट द मासेस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है गाड़ी मैसेज को रीच आउट करने के लिए वेबसाइट नहीं बनाई जाती दे आर यूजली इट इज क्रिएटेड टू हैव अ वेरी वेरी टारगेटेड ऑडियंस क्योंकि ऑब्वियस इसकी कॉस्ट ज्यादा है उसकी कैटेगरी ज्यादा है उसकी नीच मार्केट डिफरेंट है जो ब्रांड बिल्डिंग की वेबसाइट्स होती हैं ये अमूमन ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं ना के सेल करने के लिए मतलब इस तरह की वेबसाइट्स का जो टारगेट एंड यूजर होता है वो होलसेलर होता है होलसेलर आप समझ लें कि एक शॉप है जिसके ने अपने पास एक एक ब्रांड की बहुत ज्यादा चीजें लोगों को बेचने के लिए रखी हुई हैं ये बेसिकली उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए यूज होता है नंबर वन नंबर टू अब अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजिकल मतलब ह्यूमन साइकी की बात भी करें तो जब भी हम फॉर एग्जाम्पल फिजिकल शॉपिंग करने भी जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ रह जाती है जो हम वेबसाइट में अखबार में या मीडिया में या सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा देखते हैं इसको एंड दीज कंपनीज या दीज वेबसाइट्स दे यूजली प्ले दिस साइकी इसको बोलते हैं मतलब इसको अगर मैं uh, अगर इसको मैं नाम दूँ तो इसको ब्रांड अवेयरनेस का नाम देते हैं ताकि इसके थ्रू इनडायरेक्ट सेल हो सके इनडायरेक्ट सेल क्या होती है इनडायरेक्ट सेल से मुरादी होती है कि मैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं या ऑफलाइन कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज या एक ब्रांड की बात मेरे दिमाग में स्टिक कर गई है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने ड्रिंक खरीदना है तो दे विल बी सर्टन नेम विल कम टू माई माइंड ऑटोमेटिकली नॉट दैट इफ कि मुझे वो पसंद है एज इफ कि वो बहुत ज्यादा मैंने टी वी पर सुना है वेबसाइट पर देखा है सोशल मीडिया में देखा है ये लोग बातें कर रहे हैं मतलब लोग अमूमन उन्हीं चीजों की बातें ज्यादा करते हैं जो वो देखते हैं ये ह्यूमन साइकी है इसका बिजनेस से कम ताल्लुक है ह्यूमन साइकी से ज्यादा ताल्लुक है और ये अमूमन वो चीजें होती हैं जो रोजमर्रा की होती हैं डेली यूज की होती हैं जिसको हम लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं आसान लफ्जों में ड्रिंक हो गई पैकेज फूड हो गया फॉर एग्जाम्पल चिप्स हो गई या कोई चॉकलेट हो गई एंड सो ऑन तो इस तरह की वेबसाइट्स ने जो अपना मार्केट के अंदर इमेज क्रिएट किया होता है वो वाया फिजिकल न्यूजपेपर नहीं होता वो आजकल उनके बेसिकली तीन मेन जरिए हैं, एक तो ब्रांड बिल्डिंग वेबसाइट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा टीवी एड्स एंड दे इन्वेस्ट टीवी एड्स एंड थर्ड वन इज सोशल मीडिया तो इनका जो मेन गोल है इनका मेन गोल कथन ये नहीं है कि आपको वेबसाइट पर लेके आएं और आपसे कहें कि जी चीज परचेस कर लें नहीं दे आर मोर इंटरेस्टेड कि जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जाएं या फिजिकल स्टोर पे जाएं तो यू हैव द नेम इन योर माइंड यू हैव यू 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 रिमेंबर समथिंग इन योर माइंड इन योर ब्रेन ताकि आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि इट इज अ गुड थिंग अब जब अवेयरनेस क्रिएट करें कि इट इज अ गुड थिंग तो ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है एंड दिस इज मेन गोल एक्चुअली सो इफ आई गो टू दिस फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक हम सारे पीते हैं अगर मैं अब पेप्सी की वेबसाइट पे जाऊं तो अब आप देख रहे हैं कि पेप्सी की वेबसाइट जो है अब मैं इस वेबसाइट के थ्रू सेल परचेजिंग कर रहा हूं नाउ इफ आई विल गो टू द सस्टेनेबिलिटी कि इनका जो मेन गोल है वो ये है कि दे आर डेडिकेटेड टू मेंटेन द हेल्थ अब हेल्थ जो चीज है वो आपके और मेरे या आम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है तो दे सेल्थ इज थिंक दे प्रमोट हेल्दी फूड दे प्रमोट हेल्दी ड्रिंक हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक एंड सो ऑन तो वो चीज जो लोग हम मैं और आप रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं ये इस तरह की जो ब्रांड्स होते हैं वो इन वेबसाइट के थ्रू अपना इमेज मेंटेन करती हैं अपना इमेज मेंटेन करती हैं और उस इमेज को फिर लोगों के दिमाग में बिठाती हैं फॉर एग्जाम्पल इनका जो मेन गोल है वो मेन गोल ही हेल्थ है तो मैं हूं चाहे आप हूं वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द वर्ल्ड मोस्ट ईटेबल चॉकलेट अब इस वेबसाइट को देखें ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन वेबसाइट की तरह नहीं है इट इज मोर लाइक अ मार्केटिंग ब्रोशर ये मार्केटिंग का एक टूल है इसके जरिए लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि स्नीकर कितनी ज्यादा मशहूर है स्नीकर को लोग यूज करते हैं और स्नीकर का एक ब्रांड है देयर कॉस्ट मतलब ह्यूमन साइकी है कि हम कहेंगे यार कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी होगी तो वो अच्छी होगी उसको खरीदो तो इतनी कॉस्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली अगर ज्यादा लोग वो खरीदेंगे तो उनकी जो जो कंपनीज हैं उनकी सेल ज्यादा हो रही है लाइकवाइज स्निक आप देखें तो इट इज नॉट वेरी कॉस्टली यानी एक रोजमर्रा का इटेबल है लेकिन जब इस तरह की वेबसाइट पर जाएंगे या टीवी के एड देखेंगे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप टीवी पे कोई ऐड देख रहे हैं वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या सोशल मीडिया विजिट कर रहे हैं आप तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है तो दीज कंपनीज कैपिटलाइज ऑन जनरेटिंग द रेवेन्यू वाया दीज थिंग्स के वेबसाइट पे लोगों के दिमाग में कितना को पेनिट्रेट कर गया वेबसाइट के थ्रू लोग कितना कन्विंस हो गए हैं कि हाउ गुड और बैड या फॉर गुड इज देयर वेबसाइट और देयर प्रोडक्ट फॉर देयर जर्नल यूज सो ना दिस इज एन अदर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड बिल्डिंग वेबसाइट या आप यहां एक बात नोट करें कि हो ये सेलिंग ही रही है फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक सेल कर रहे हैं लेस के चिप्स सेल कर रहे हैं स्निक सेल कर रहे हैं हो सेलिंग ही रही है तो जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम सेल्फ साइड वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला था कि ऑनलाइन तो है ही दिस इज वॉट आई कॉल्ड ऑफलाइन सारे प्रोडक्ट का वो डिस्प्ले कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट उनके पास मौजूद हैं तो जब आप मार्केट में जाएं इवन ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी तो दिस विल हेल्प द कंपनीज टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी